अभी हम बात करने वाले हैं वन प्लस नार्ड 4 5G फ़ोन के बारे में, जिसकी कीमत करीब 30,000 रुपये होने वाली है। जैसा कि आप फ़ोन में लुक वाइज देख रहे हैं, ये फ़ोन कैसे दिखने वाला है। कुछ इसके फीचर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये फ़ोन जो आता है 3 वेरियंट में आता है। पहला जो 8 GB 128 GB इंटरनल के साथ, दूसरा है 8 GB और 256 GB इंटरनल के साथ, तीसरा है 12 GB और 256 GB इंटरनल के साथ, जिसकी प्राइस करीब 36,000 रुपये होने वाली है। इसके कुछ फीचर की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 3G 4G 5G आपको देखने को मिलेगा, NFC आईआर ब्लास्टर देखने को मिलेगा। इसमें प्रोसेसर काम करने वाला है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 काम करने वाला है, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा, जो 2.8 GHz पे काम करता है। इसमें 8 GB और 128 GB का आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसमें जो कैमरा सेटअप होने वाला है, तो 50 MP और 8 MP का डुअल रियर कैमरा होने वाला है, और 16 MP का फ्रंट कैमरा होने वाला है, और फ़ोन रन करेगा एंड्रॉयड 14 पे। तो फ्रेंड इसके स्पेक्स के बारे में डिटेल से जानकारी देखते हैं। जो फ़ोन की थिकनेस होने वाली है 7.99 होने वाली है, और जो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होने वाला है, स्क्रीन जो डिस्प्ले होने वाला है एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, इसका रिफ्रेश रेट 120Hz रिफ्रेश रेट रहेगा, डिस्प्ले रहेगा पंच होल डिस्प्ले रहेगा। कैमरे सेटअप की बात करें तो इसमें आप 50 MP और 8 MP का रियर कैमरे के साथ आप 4K का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि 16 FPS पे होगा। और इसमें फ्रंट जो कैमरा मिलने वाला है आपको 16 MP का मिलने वाला है, कि जो कि सोनी का होने वाला है। टेक्निकल बात करें तो इसमें 8 GB की रैम और 8 GB का वर्चुअल रैम देखने को मिलेगा, और इसमें 3 वेरियंट आती हैं, एक 128 GB और 256 GB का। ब्लूटूथ जो इसमें मिलने वाला है उसमें 5.4 का मिलने वाला है। जो बैटरी बैकअप इसमें 5500 mAh का बैटरी बैकअप मिलने वाला है, जो सपोर्ट करेगा 100 वाट फास्ट चार्जिंग को। और इसमें आपको FM रेडियो और 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलेगा। और इसके स्पेक्स के बारे में देख लेते हैं डिटेल से। फ्रेंड इसमें नैनो सिम मिलने वाला है, और ये जुलाई में लॉन्च हुआ है। इसके आप बॉक्स के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ ये चीज़ देखने को मिलेगी। फ़ोन का वेट करीब 200 ग्राम का होने वाला है, और इसमें 4 वेरियंट, 3 से 4 वेरियंट में फ़ोन आता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसमें 90.3 है। इसमें ऑलमोस्ट सभी फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, और रैम 8 GB का रैम होगा, और हर 8 GB और 12 GB रैम के साथ वाले में 8 GB का आपको वर्चुअल रैम देखने को मिलेगा। स्टोरेज इसमें UFS 3.1 का स्टोरेज मिलने वाला है। इसमें आपको क्वार्ट्ज स्लॉट नहीं मिलेगा, इसमें आपको आप SD कार्ड नहीं लगा सकते हैं। इसमें जो आप बेस वेरियंट लेंगे वही आपको स्टोरेज रहेगा। इसमें बहुत सारे 5G बैंड मिलने वाले हैं, इसको जिससे आपको अच्छी कनेक्टिविटी और अच्छी स्पीड मिलने वाली है। इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। ये वाटर रेजिस्टेंस होगा, और IP54 की रेटिंग दी गई है। डस्ट रेजिस्टेंट भी होगा, और इसमें नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट मिलेगा। इसमें AI टूल देखने को मिलेंगे, डुअल स्पीकर देखने को मिलेगा, और इसमें जो आपको कैमरे सेटअप देखने को मिलेंगे, इसमें 50 MP का जो वाइड एंगल देखने को मिलेगा, और 8 MP का इसमें अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा। इसमें आप फोटो के लिए तरह तरह के फीचर यूज कर सकते हैं। इसमें 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करेगा, जो कि 60 FPS पे रिकॉर्ड अल्ट्रा HD वीडियो पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, और फ्रंट से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह फ़ोन Android 14 पे काम करने वाला है, जो कि ऑक्सीजन OS 14.1 पे आप इसको कस्टम UI है। फ्रेंड्स आपको इसमें एक लंबी बैटरी मिलने वाली है, जो कि 5500 mAh की बैटरी है, जो कि 100 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करेगी। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।